नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला है अपराध जगत की कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में हलियापुर थाना क्षेत्र के हाईवे पर स्कूली बच्चों से भरी एक स्कूली वैन में अज्ञात कार ने टक्कर मार दी, जिसमें चालक सहित 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अमेठी में आबकारी विभाग की टीम ने दबिश देकर इनौना थाने के बलई का पुरवा में 66 लीटर अवैध कच्ची शराब, 250 किलोग्राम लहन मौके पर नष्ट किया और 3 मुकदमे आबकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत किए। अमेठी के सुकुल बाजार थाना में दुष्कर्म पीड़िते का 2 महीने से मुकदमा दर्ज होने के बाद भी दर दर की ठोकरें खा रही पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। अमेठी में कमरौली थाना सहित सभी थानों में दंगा नियंत्रण का पूर्वाभ्यास किया गया, जिसमें एंटी राइड गन, टीयर गैस गन, हैंड ग्रेनेड, टीयर स्मोक सेल का इस्तेमाल दंगाइयों और बलवाइयों पर करने का और उस समय बरतने वाली सावधानियों के बारे में बताया गया। अमेठी में 3 तलाक देने वाले आरोपी मेराज को कमरौली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अमेठी में प्रधानमंत्री आवास पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नहीं चाहिए भाजपा की सरकार। अमेठी में थाना मुसाफिर खाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर समीर अली को जमुआरी रेलवे क्रॉसिंग हरगरवा के पास से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से 27 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पहराइज में थाना कैसागंज पुलिस ने गंगाधर शुक्ला उर्फ दीपक कुमार को बड़ौली पड़ाव के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अभियुक्त के कब्जे से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। बहराइज में थाना कोतवाली नानपारा पुलिस की ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत प्रभावी पैरवी करने से अभियुक्त अयोध्या प्रसाद को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 का दंड न्यायालय ने सुनाया। जौनपुर के सिरकोनी ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेहरू नगर में चिकित्सक न होने की वजह से गंभीर हालत के मरीज को रिक्शे पर लादकर प्राइवेट अस्पताल ले जाना पड़ा। जौनपुर के मड़ियाओं में मौजूद ईंट भट्टे पर काम करने वाले प्रेमी युगल ने जहर खा लिया, इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। यह प्रेम प्रसंग पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। जौनपुर में थाना जलालपुर पुलिस टीम के साथ असबरनपुर पुलिया के पास हुई मुठभेड़ में जिसमें 25,000 का इनामी दिनेश सोनकर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल भेजा गया। अभियुक्त के कब्जे से देसी तमंचा, जिंदा कारतूस, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद की गई। जौनपुर में थाना मुंगरा बादशाहपुर पुलिस टीम और गौ तस्कर की निभापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास मुठभेड़ हो गई। अंतर जनपदीय गौ तस्कर अली हुसैन के पैर में गोली लगने से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के कब्जे से एक देसी तमंचा, जिंदा कारतूस, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद की गई। लखीमपुर खीरी के ईसा नगर थाने के मिर्जापुर गांव में गन्ने के खेत में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेरठ में थाना टीपी नगर इलाके में एक नवजात बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चे को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। स्थानीय लोग बच्चे का शव लेकर थाने पहुंचे। मेरठ के थाना कंकरखेड़ा में रहने वाले सैनिक की पत्नी ने अपनी पड़ोसी रीता के खिलाफ एसएसपी आपी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। प्रियंका का कहना है कि पड़ोसी रीता ने मेरी तीसरी मंजिल पर कैमरा लगा रखा है। मेरठ के थाना सरदना में ऑनर किलिंग से घबराए प्रेमी युगल ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा देने की मांग की। पीड़ित का कहना है कि मेरे साले और मेरे घर वाले जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर को आप YouTube पर देख रहे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए हमसे जुड़े तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी फॉलो करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।